वेलकम टू SPS स्मार्ट। तो बच्चों यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन जो है रोटेशनल मोशन का मैं ले रहा हूँ। एक वीडियो हमने पहले भी बनाया रोटेशनल मोशन पे, एक और वीडियो और ये मैं बना रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं बेटा रोटेशनल मोशन का, ठीक है। और इस रोटेशनल मोशन का जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 10 एंड आउटर रेडियस 20 सेंटीमीटर अबाउट इट्स एक्सिस इज आई, द रेडियस ऑफ ए थिन सिलेंडर ऑफ द सेम मास सच दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस इज ऑल्सो आई इज, ठीक है। तो देखो थिन जो होता है बेटा, तो थिन सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर, ठीक है, एम इंटू के स्क्वायर। एंड आई जो हॉलो सिलेंडर का जो होता है, हॉलो सिलेंडर का होता है, दिस इज एम बाई टू इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, सो दिस इज 10 का स्क्वायर प्लस दिस इज 20 का स्क्वायर। यहाँ देखो हमने चेंज नहीं किया यूनिट, यूनिट को वही रहने दिया। और कह रहा है लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, लेंथ 30 सेंटीमीटर है, इनर रेडियस 10 आउटर रेडियस 20 अबाउट इट्स एक्सिस इज आई, द रेडियस ऑफ ए थिन सिलेंडर ऑफ द रेडियस मतलब रेडियस ऑफ आप रेडियस ही बोल रहे, हाँ रेडियस ऑफ थिन सिलेंडर ऑफ सेम मास, सेम मास का, तो थिन सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दिस इज एम आर स्क्वायर, थिन सिलेंडर का एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो हॉलो होता है दिस इज इक्वल टू वन एम बाई टू, दिस इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो, सो दिस इज आई थिन एंड दिस इज इक्वल टू आई हॉलो, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से इक्वेट करेंगे तो दिस इज एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई टू इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, एम एम कट जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू ये एक्चुअली रेडियस ऑफ जायरेशन की बात कर रहा था, दिस इज एम के स्क्वायर, इसको हम लिख लें एम के स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू के एंड के इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2, सो दिस इज इक्वल टू 100 एंड प्लस दिस इज 200 अपॉन 2 रूट अंडर, सो के इज इक्वल टू दिस इज रूट अंडर 300 अपॉन 2, सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 150, सो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में आ जाएगा रेडियस ऑफ रेडियस अगर हम थीन का देखें तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट, एक मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम को कट कर दिया गया है सॉलिड से। From a solid of a sphere of mass m and radius r, a cube of maximum possible volume is cut. Moment of inertia of cube about an axis passing through its center and perpendicular to one of its face is, एक face से perpendicular कितना हो जाएगा। जैसे ये अगर आपका sphere है बेटा, तो इसे maximum possible एक cube हम काट लें यहाँ से, तो maximum possible cube इस तरह से कुछ कट सकता है यहाँ से, ठीक है, इस तरह से cube जो कटेगा तुम्हारा यहाँ पे, कुछ इस तरह का cube यहाँ पे कटेगा, इस तरह का क्यूब हमको यहाँ से कट कर लेना है, इस तरह का क्यूब को हमें कट कर लेना है, ठीक है। तो अगर क्यूब कट गया तो क्यूब का साइड कितना हो जाएगा, लेट दिस इज ए, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज ए जो होगा इसका अगर आप ये निकालोगे इसका, ठीक है, हाइट निकालोगे तो ये देखो रेडियस कितना है तुम्हारा, रेडियस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू आर, ये दिस इज इक्वल टू ए वाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 2 रूट अंडर 3 इंटू कितना आ जाएगा आर आ जाएगा। सो मास का पहले अगर हम रेशियो निकालें कि मास कितना हो जाएगा, जो हम कट करेंगे पार्ट उसका मास कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू अगर मास निकालें आज तो एम अपॉन एम इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू कितना होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा स्फेयर का, तो दिस इज अच्छा डेंसिटी मटेरियल सेम ही है, डेंसिटी सेम होगा तो वॉल्यूम कितना 4/3 दिस इज पाई आर क्यूब, और इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा दिस इज ए क्यूब, सो अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से एम डैश जो है फाइनली आपका आ जाएगा एम डैश इज इक्वल टू दिस इज 2m अपॉन रूट अंडर 3 इंटू पाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी जो पार्ट कट किया जाएगा वहाँ से, जो क्यूब कट किया जाएगा उस क्यूब का ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, उस क्यूब का आपका मास आ जाएगा, सो उस क्यूब का मास आ गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें यहाँ से
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू दिस इज एम डैश ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 6। सो दिस इज इक्वल टू 2m अपॉन रूट 3 पाई 2m इंटू रूट 3 पाई इंटू 2 बाई रूट 3 इंटू आर का कितना होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4mr स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 रूट 3 इंटू कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 4mr स्क्वायर अपॉन 9 रूट अंडर 3 इंटू पाई, 4mr स्क्वायर अपॉन 9 रूट अंडर 3 इंटू पाई, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए हॉलो स्फीयर इज रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू इट्स काइनेटिक एनर्जी इज x बाई 5, द वैल्यू ऑफ x इज। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो i इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 2 बाई 3, दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम के स्क्वायर। सो आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बाई 2। सो काइनेटिक एनर्जी जो है जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा रोलिंग में डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी जो टोटल हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा तो 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू 1 प्लस इसका फार्मूला होता है आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू रोलिंग में फार्मूला होता है इसका तो 1 प्लस दिस इज 3 बाई 2। सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 बाई 5 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई कितना है 5। सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये रोलिंग में हम लोग फार्मूला पढ़ते थे, अगर आप नोट्स देखोगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी वगैरह सारा निकाला हुआ है, एक्सेलेरेशन, टाइम कि अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है किसी इंक्लाइन प्लेन पे तो टाइम कितना लगता है उसको नीचे आने में, या हाइट हमने निकाला हुआ है, फिर आपको वहाँ पे एनर्जी के बारे में हमने निकाला हुआ है, तो सारा अगर आप फार्मूले देखोगे तो वहाँ पे सारा ही निकाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए सिलेंडर इज रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री, इट्स एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग रोलिंग डाउन विल बी एक्स अपॉन रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर वेयर एक्स इज, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक स्फीयर है जो यहाँ पे रोलिंग डाउन है, यहाँ पे रोल कर रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू अगर हम देखें तो इसका वेट कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। सो ये इस डायरेक्शन में दिस एंगल इज, ये एंगल हो गया थीटा, सो दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज एम जी इंटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। सो रेडियस इज इक्वल टू आर, सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन, एंड रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ। सो अगर हम इसको इक्वेट करें तो और एक्सेलेरेशन निकालें तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जी साइन, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू जी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एंड दिस इज आई अपॉन दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये हो गया, अब इसमें सबकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे जी की वैल्यू कितनी होगी 10, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एंड 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, एंड एम आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो ए इज इक्वल टू दिस इज 10 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस इज 1 बाई 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। गिवन क्या है आपको यहाँ पे, गिवन है x बाई रूट अंडर 3, मतलब एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू गिवन है x बाई रूट अंडर 3 और यहाँ पे आया कितना है 10 रूट अंडर 3, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, दिस इज द करेक्ट आंसर।